वीडियो मैच जो कवर करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ वुमेंस T20 का जो कि मैच खेला जाएगा, जो कि एक नई सीरीज़ है। अगर आप देखोगे तो आज ही बहुत सारे इनके मैचेस हैं, 3 आज ही मैचेस है। बट ये मैच इन्वेस्टमेंट के लिए ना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो ग्रैली वगैरह टारगेट करना, कोशिश करना कि स्टार्टिंग मैचेस में इन्वेस्टमेंट ना के बराबर करें, बस 1-2 मिनिंग रैली ग्रैली खेल ले, ठीक है। स्टार्टिंग मैचेस मिस कर देना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन की। फर्स्ट मैच है तो विन कराने की तो कोशिश मैं करूँगा, बट इन्वेस्टमेंट कम करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, कोशिश करूँगा सारे मैचेस कवर करने के लिए। बात करते हैं अभी मैच इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फर्स्ट मैच है तो मैच, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पूरा सीरीज कवर करेंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना, जहाँ पे आपको फाइनल स्मॉल लीग की ग्रैली टीम डेडलाइन से 15 मिनट पहले शेयर कर दूंगा। तो आप लोग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, सबसे सारे सबसे बेस्ट मेथड है। मैं एक लिंक पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक और कमेंट बॉक्स से पिन कर दो, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। टेलीग्राम के सर्च बार में जाना, सर्च करना एफिलिएटेड, अगर आपको सर्च करके आना हो तो मेरी बात हो तो लिंक के थ्रू आ जाओ, लिंक ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। एफएलएम टीम सर्च करना बिना स्पेस देखे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे फाइनल स्मॉल लीग की ग्रैंड टीम शेयर कर दूंगा डेडलाइन से 15 मिनट पहले, जहाँ पे 35,100 से ज़्यादा लोगे, 35,100 से ज़्यादा लोगे, बिल्कुल भी मिस मत करना ऐसे मैचेस में, जैसे कि हमने वुमेन मैच कवर भी किया था, एक तरफ हम लोग ये वाला विन किए, तो बिल्कुल मिस मत करना। एंड बात करते हैं फर्स्ट मैच, और ये मैच ना गुआना में खेला जा रहा है। एंड बात करते हैं वेन्यू, मैं बता चुका हूँ गुआना मैच का, और इस मैच का डेडलाइन है 7 बजे, यानी आपको 6:30 पे एक्टिव रहना है। एंड बात करते हैं सबसे पहले हम ना पिच पर 200 विकेट है, ये ना ये विकेट ज़्यादातर मतलब कि बैट्समैन को सपोर्ट नहीं मिलता है, 42 विकेट मान के चल सकते हो, लेकिन इस विकेट पे पेसर्स को और स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता है, यानी पिच मान के चलिए बॉलिंग फ्रेंडली विकेट आप मान के चल सकते हो। एंड बात करते यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं वेदर, तो क्लियर कोई बारिश के चांस वगैरह नहीं, ठीक है, क्लियर वेदर रहेगा। एंड बात करते हैं सबसे पहले LWIW का जो कि होनी चाहिए लाइनअप्स, ठीक है, यस ओपन करेगी जो ये जो बैटिंग ऑर्डर है अप्रूवल के हिसाब से, ठीक है, बाकी कंफर्म आपको टेलीग्राम पे जूर से कर दूंगा, बट अप्रूवल के हिसाब से ओपन करें तेज परके और ओपन करें टीम की तरफ से टेनेटा मैकोय के साथ, ओपन करिए टीम की तरफ से, ये ओपन करेंगे वन डाउन टीम की तरफ से खेलते ना, जब आपको आज के डेवर ना कैलेक्सटोन जो कि वन डाउन बैटिंग करेगी टीम की तरफ से, फोन पे रोसले डोनाविल जो कि टीम से फोन है बैटिंग करेंगे, जेनेसन रिचार्ड्स जो कि फिर बैटिंग करेगी, मेलिका क्लर्क जो कि सिग्न बैटिंग करेगी, एर्सन फेरम जो कि टीम की तरफ से A7 ने बैटिंग करेगी, स्लेडोन वैलेट जो कि टीम की तरफ से 8 ने बैटिंग करेगी, रोजोल लेवर जो कि टीम की तरफ से 9 ने बैटिंग करेगी, अमंदा एडवर्ड जो कि टीम की तरफ से 10 ने बैटिंग, टोनी मार्टिन। तो दोस्तों ये है इनका बैटिंग ऑर्डर LWIW का, ठीक है, तो ये मतलब होना चाहिए लेवार्ड आइसलैंड वुमेंस का, ये होना चाहिए, ठीक है। एंड बात करते हैं सबसे, अब बात करते हैं विंडॉर्ड आइसलैंड वुमेन का जो कि होनी चाहिए, ओपन करेंगे टीम में तरफ से एसले एडवर्ड जो कि टीम में तरफ से विकेट कीपिंग करती है, ओपन करेंगे मेलिका एडवर्ड के साथ ओपन करेंगे टीम में तरफ से, वन डाउन जेम एलो जो कि टीम से वन डाउन बैटिंग करेंगे, जैदा जेम्स जो कि फोर डाउन बैटिंग करे, उसके अलावा फिर नंबर पे कैरिल न्योल जो कि टीम की तरफ से फिर बैटिंग करेगी, कि उसके अलावा सिक नंबर पे केविन हार्नर जो कि टीम की तरफ से सिक नंबर बैटिंग करेगी, पीएल और उसके सेवन नंबर पे पीएल एलिस्टन जो कि टीम की तरफ से इस नंबर बैटिंग करेगी टीम की तरफ से, एट नंबर पे स्टेटिस से एंड एडम जो कि 8 नंबर बैटिंग करेगी, एफी फ्लेचर जो कि टीम की तरफ से इंटरनेशनल मैच के प्लेयर है, कि उसके अलावा 10 नंबर पे क्योना जोसेफ जो कि खेलते रहे जब आएंगे, और उसके अलावा 11 नंबर पे एकिरा पीटर्स। तो दोस्तों ये है और WWI का लाइनअप से विद बैटिंग ऑर्डर आप एक बार देख लो, और ये है इनका बैटिंग ऑर्डर, दोनों टीम्स का ये बैटिंग ऑर्डर है, बाकी जो अपडेट्स है टेलीग्राम पे यूज से शेयर करूँगा मैं, स्टैट्स वगैरह आपको शेयर नहीं, क्योंकि देखो ऐसे में स्टैट्स मतलब बेटर ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि बहुत टाइम कम है और स्टैट्स अगर निकालने बैठे तो बहुत मतलब कि टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सीधे से बात करते प्लेयर वाइज एनालिसिस, जो कि वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना, आपको पता है आप मेरा कोई भी लास्ट मैच का वुमेन मैच का मतलब रिजल्ट देख लो, आप लोग एक तरफा ही विन किएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वुमेन मैचेस सब अच्छे रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कि ये मैचेस थोड़ा सा रिस्की है, सभी टीम्स के 2-2 मैचेस हो जाने दो, जिससे आप कन्फर्म मतलब बैटिंग ऑर्डर आपको हो जाएगा, और साथ साथ पावर प्ले वगैरह, बाकी टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना, ठीक है। बात करते प्लेयर वाइज एनालिसिस, ये रहा मैच, अगर आप देखोगे ये रहा, ठीक है। अब देखो ये मैच थोड़ा सा रिस्की भी है फर्स्ट वाला, सेकंड थर्ड तो फिर मुझे एवरेज ठीक ठाक लग रहा है, बट ये वाला थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सबके बिल को ऑन के ऑल पर सेट कर, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, तो सब्सक्राइब उसे कर लेना। बात कीपर से देखो टी पैकर एडवर्ड दोनों टीम से ओपनर थे, आप दोनों को कवर कर सकते हो, मैं फिर एडवर्ड के साथ जा रहा हूँ टीम की तरफ से, टी पर भी अच्छी प्लेयर टीम की तरफ से, उसके लिए बैटिंग से एम एडवर्ड इंपॉर्टेंट है, जूस से कवर कर लीजिएगा, ओपन करेंगे टीम से, उसके जेड जेम जो कि फोन है बैटिंग करेंगे टीम की तरफ से, देखो फोन में जो बैटिंग ऑर्डर लिख रखा हो ये ऑलमोस्ट कंफर्म बैटिंग ऑर्डर आप मान के चल सकते हो, तो इसी हिसाब से अपनी टीम बनाएंगे, ठीक है। मलिका एडवर्ड टीम से ओपन करेंगे, उसके एसलैंड एडवर्ड अब ले चुके हैं हम लोग, उसके अलावा जी एलो जो कि टीम की तरफ से
कवर कर सकते हो टीम से इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं चाहिए। वर्नर बैटिंग करेंगे जी मिले तब चाहे तो कवर कर सकते, नीचे अगर थोड़ा सा हो गया तो आपको देखने को मिलेंगे जे रिचार्डसन को ग्रैनली टीम ट्राई कर लेना। अभी के लिए मैं तीन बैट्समैन के साथ जो कि तीनों इंपॉर्टेंट है, उसका टी मैकोई के साथ जा सकते हो, ये भी अच्छी प्लेयर है। ओपन करते टीम सब जा सकते, ट्रिनिटा मैकोई इनका नाम है, जा सकते। ऑलराउंडर सक्सेस है, सबसे पहले एम क्लार्क कर लो इंपॉर्टेंट टीम से, मस्ट पिक है, के होमोर को पिक कर लो, एफ रेमैन को पिक कर सकते अभी के लिए, अच्छी प्लेयर टीम से, से भी खेलते हैं जब आपको आ जाएंगे। उसके अलावा एस एडम्स है, ये सभी अवेलेबल चाहते, एफ आर एम एन को कवर कर सकते, मैं एफ आर एम एन के साथ ही जाना चाहूँगा। बॉलिंग सीजन से सबसे पहले तो आप क्यू जोसेफ प्लेयर को इंपॉर्टेंट है टीम से, और एफ पी प्लेचर दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंटरनेशनल मैच के प्लेयर और ए पेटर्स भी अच्छी प्लेयर टीम से भी खेलते हैं जब को आ जाएगी। उसके अलावा एडवर्ड भी इस मैच के लिए अवेलेबल है, पहले नीचे देख सकते टी मार्टिन भी इस मैच के लिए अवेलेबल है, चाहते इनको भी कवर कर सकते हो, ये सभी अवेलेबल से। मैं फिलहाल के जा रहा हूँ, अभी के लिए मेरा मन कर रहा है ना ए पेटर को ट्राई कर, बट नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑलरेडी हम ले चुके ज़्यादा प्लेयर्स। 10.5 किट बचाई, आप चाहते हो ये रिवॉर्ड को पिक कर सकते, ये भी अच्छी प्ले टीम है तो स्पिनर टीम की तरह से कवर कर सकते हो। रोजल रिवॉर्ड भी ठीक ठाक पे, बट मेरा मन कर ए पेटर्स के साथ जाओ, आपको ए पेटर्स चाहिए तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा उस केस में विकेट कीपर, अगर आप चाहते हो विकेट कीपर चेंज करोगे तो वो आ जाएगी, ऐसा कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो एडवर्ड के साथ, जो कि ये भी स्पिनर टीम की तरह से ये भी अच्छी बॉलिंग करा लेती है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसके साथ जाना है। बात की कैप्टन के प्रो ऑप्शन तो देखो मैं आपको बैटिंग ऑर्डर बता चुका हूँ, फिर प्रोवेल के साथ बता, ये ओपन करेगी टीम से, जो प्रोवेल कहती है ये ओपनर ओपन करेगी ठीक है, और अब ये दोनों ओपन करेगी आपको बता चुकी, वनडर बैटिंग करेगी, फोर नर बैटिंग करेगी। आप चाहो तो इनकी जगह पे पिक कर सकते थे एडवर्ड को, भी अच्छी प्लेयर टीम की तरफ से, मे भी वो आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते, बट मैं इनके साथ ही जा रहा हूँ अभी के लिए, फिलहाल के लिए थोड़ा सा सेफ गया हूँ अभी के लिए। कैप्टन स्क्रिप्ट अगर बात कर देखो, जो सबसे मुझे बेटर ऑप्शन लगे कैप्टन के लिए, जो मुझे सबसे अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं एफी फ्लेचर और क्यू जोसेफ, मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है। लेकिन ना क्योंकि ना यहाँ पे ना इस विकेट पे ना स्पिनर्स को टर्न मिलता है, तो आप इनके साथ जा सकते हो टीम में, तो अच्छे प्लेयर्स है कवर कर सकते हो और दोनों स्पिनर्स भी है, तो आप इनके साथ कैप्टन कैप्टन जा सकते हो डेफिनेटली। आपको एफी फ्लेचर तो टीम से विकेट है की प्लेयर है, क्यू जोसेफ भी है, बट एफी फ्लेचर कुछ ज़्यादा ही है। मलिका क्लर्क वगैरह से इतना बैटिंग करेगी ठीक है, जिससे इतना बैटिंग, तो आप इनके साथ जा सकते हो। मैं फिलहाल एज ए कैप्टन एफी फ्लेचर के साथ जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन में जाना चाहूँगा अभी के लिए एफ आर मैन वगैरह भी कर सकते हो, वो भी अच्छी प्लेयर, मैं जा रहा हूँ एम क्लर्क के साथ अपना वाइस कैप्टन, आप चाहो तो जा सकते हो एफ आर मैन के साथ भी अपना वाइस कैप्टन। मैं एम क्लर्क के साथ जो सीखना बैटिंग कर लेगी, प्लस बॉलिंग की पाती है, विकेट टेकिंग प्लेयर टीम की तरफ से। उसके अलावा चाहो तो वाइस कैप्टन कर सकते थे क्यू जोसेफ को कर सकते थे, के होमोर को भी कर सकते थे, ये भी अच्छी प्लेयर से। बस एक ही चेंज इस टीम में मैं कर सकता हूँ कि जेड जेम्स की जगह पर ट्राई कर सकते हो एडवर्ड को ट्राई कर, वो भी अच्छी प्लेयर टीम की तरफ से, क्योंकि फोन है बैटिंग करेगी जेड जेम्स, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी जो आपको बैटिंग ऑर्डर थी वो ऑलमोस्ट कंफर्म बैटिंग ऑर्डर मान के चल सकते हो, तो सेम टीम के साथ जा सकते हो, कोई चेंजेस और टेलीग्राम पे जूस अपडेट करूँगा। देखो पिच बॉलिंग फ्रेंडली इसलिए मतलब पिच बॉलिंग फ्रेंडली है, इसलिए मैं ना ज़्यादा मतलब टीम के साथ बॉलर्स को कवर किया हो, और ऐसे प्लेयर जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हो। एफी फ्लेचर का क्या है कि टीम तरह से फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग करेगी, वो आपको पता है अगर स्टार्टिंग और विकेट गिरी तो यही विकेट लेके जाएगी, जैसे टीम कभी अगर आउट होगी तो यही विकेट लेके जाएगी, पहले विकेट कीपर इनका अगर आउट होंगे तो यही विकेट लेके जाएगी। कैप्टन के प्रबल दावेदार है, वाइस कैप्टन एम क्लर्क के साथ जो कि टीम से बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते, टीम उतर से सीनियर प्लेयर है, आप जा सकते इनके साथ। तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉल ही खेलूंगा, मैं पे करूंगा, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना ठीक है, ये मत सोचना कि हाँ यार वुमेन मैचेस है तो सारा पैसा मेरे ऊपर ही लगा दो, सो ऐसा मत सोचना ठीक है, कोशिश करना कि इन्वेस्टमेंट कम से कम करने के लिए। और सेम टीम से जा सकते हो, कुछ चेंजेस और मैं टेलीग्राम पे जूस अपडेट करूंगा, तो टेलीग्राम चाहे पे एक्टिव रहना, स्क्रीन शॉट ले लो स्ट्रीम का ठीक है, बस एक चेंज कर सकते हो जेड जेम्स को ड्रॉप कर सकता हूँ, बाकी सी वी सी भी एक बार कंफर्म आपको टेलीग्राम पे ही करूँगा, तो टेलीग्राम से जूस चाहिए ज़्यादा टाइम ही नहीं मैच स्टार्ट होने में। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना है, ये डाउट है मैं आपको डाउट जूस से क्लियर कर दूंगा, जब तक वीडियो को लाइक कर दो चाहे सबसे पहले ऑन के ऑल पर सेट कर दो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना।